Hello. We are discussing why commerce. Commerce क्यों लेना चाहिए? Confusion रहता है कि commerce क्यों लेना चाहिए? या कुछ लोगों को लगता है कि बहुत percentage base पे करेंगे. If the percentage is very very high, then science करेंगे. Percentage कम है, commerce लेंगे. It's not like that. कि choice जो है commerce और science और art should be more upon हमारा interest किस तरह है. What is our interest? The interest should decide कि आपको कौन सा stream लेना चाहिए. Not कि percentage. Because commerce में भी if you find there are students with 95%, 98%. Like Mulund College of Commerce closes above 90% cutoff for the FYJC admissions. Like that, there are many colleges jiska cutoff is more than 90%. So obviously percentage is not the criteria for choosing a stream. So how do we know ki hamara interest kis taraf hai? For that we are helping out ki commerce mein hota kya hai. So you can judge कि कॉमर्स स्ट्रीम मुझे करना है कि नहीं करना है. नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉमर्स में है क्या, तो नॉर्मली व्हेन हम जब ये वर्ड सुनते हैं कॉमर्स, देन द वर्ड कॉमर्स मींस सबसे पहला दिमाग में आता है बिजनेस. अब बिजनेस कैन बी एनी टाइप ऑफ बिजनेस. जो हमारे घर के पास में छोटा सा किराना का दुकान है वो भी बिजनेस है, या छोटा सा दूध वाले का दुकान है वो भी बिजनेस है, या एज बिग एज सुपरमार्केट है, या एक कॉर्पोरेट कंपनी है, या एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक देश में नहीं कई देशों में फंक्शन करता है वो भी बिजनेस है. सो बिजनेस रिलेटेड इज कॉमर्स. अभी थोड़ा उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं कि कॉमर्स में 11वीं में 11th स्टैंडर्ड FYJC कॉमर्स में हम क्या सीखेंगे. FYJC एंड SYJC 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड. अगर हम सब्जेक्ट्स देखेंगे देन FYJC में द फर्स्ट सब्जेक्ट इज बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अब ये जो पेपर है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट में हम क्या सीखते हैं, जैसा नाम ही बुककीपिंग, keeping books of what? The business. Business अपना जो किताब है accounts का किताब किस तरह से रखता है ये आप सीखेंगे. Like business में बहुत सारे activities होते हैं, वो लोग सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, खर्चा करते हैं, या बेचते हैं तो income आता है उनके पास. तो ये सब चीजों को किस तरह से किताब में record करना चाहिए, that is the core idea of paper number 1 which is called bookkeeping and accountancy. Correct. Second paper, the second important paper is maths, mathematics. Abhi some may be happy listening, wow, maths is there, very nice, my favorite subject. Some people may not be happy, they may say, oh my god, fir se maths aa gaya. Now dono ke liye option hai. Ab jinko maths mein interest hai, so they will be happy ki maths is there in FYJC as well as SYJC. Abhi ye maths mein major maths kis tarah ka hai? Major maths is commerce related maths. Matlab kya seekhenge hum? Interest, commission, brokerage, annuities, ya you can say partnership, ratio, proportion. Matlab is tarah ka commerce related maths jyada hai, plus little bit of 10 channel में जो trigonometry वगैरह पढ़ा है वो भी carry forward होगा 11th 12th में. That is for those who like maths. अब जिनको maths नहीं पसंद है उनके पास option है, they can take a subject called as SP. SP is secretarial practice. Secretarial practice. अब ये secretary word सुन के आप confused मत हो जाओ कि अरे मुझे तो ही secretary बनना है. यहाँ पर जब ये secretary बोल रहे हैं, it is secretary of mainly a company. एक company, एक business का secretary का क्या काम होता है, that you learn here. ठीक है. Third
पेपर इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी, जो आप सुनते हैं देश में इकोनॉमी का प्रोग्रेस होता है, 7% से ग्रो हो रहा है, इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, मतलब क्या? या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जीडीपी जीएनपी, उसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमी ग्रो हो रहा है या इन्फ्लेशन है? तो ये सब चीजों का मीनिंग इकोनॉमिक्स में सीखेंगे, सप्लाई है डिमांड है, मतलब जो डेली लाइफ रिलेटेड टर्म्स है यू विल कम टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर इकोनॉमिक्स. आर यू क्लियर? सो नेक्स्ट फोर्थ पेपर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स. हम ये देखें ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक एक एंटिटी. कॉमर्स में अलग अलग एंटिटीज क्या होता है? लाइक जैसे मैंने बोला हमारे घर के बाजू में छोटा सा दूध का दुकान है, वो सब जो एक एक मिस्टर एक्स का है उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर, मतलब वो ही ओनर भी है, मेजर काम वही करता है. या उसके बाजू में है दो ब्रदर्स है, वो लोग पार्टनरशिप में जनरल बिजनेस जनरल स्टोर संभाल रहे, तो पार्टनरशिप बिजनेस हो गया. या सुपरमार्केट जैसे डी मार्केट, डी मार्केट हमने सुना, डी मार्ट जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है. तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर, ऐसा बहुत वैरायटीज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप सीखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स. तो चार पेपर क्लियर है, बुककीपिंग, मैथ्स और एसपी, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, एंड बाकी जो दो पेपर्स हैं दैट इज इंग्लिश एंड सेकंड लैंग्वेज. इंग्लिश इज कंपलसरी, सेकंड लैंग्वेज मे बी हिंदी, मराठी, संस्कृत या जर्मन, फ्रेंच, और यू कैन टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और एनी वोकेशनल पेपर्स, बट दिस डिपेंड्स ऑन द कॉलेज. सब कॉलेजेस के पास सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, हिंदी मराठी तो कॉमन. आई होप यू गॉट एन आइडिया, क्योंकि 11th 12th विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्स. तो कॉमर्स में पहले आप पता लगाइए कि इंटरेस्ट है कि नहीं है. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग सम लेक्चर्स, ए बुक कीपिंग, मैथ्स के कुछ फ्री लेक्चर्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यू कैन कम टू आवर क्लासेस, मेंसा कॉमर्स क्लासेस, यू कैन कॉल अनदर नंबर, वी हैव फ्री डेमो लेक्चर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, यू कैन कम एक्सपीरियंस दिस, देन टेक अ डिसीजन कॉमर्स. आर यू क्लियर? डोंट जस्ट गो बाय परसेंटेज. फाइन, दिस इज शिवा सर फ्रॉम मेंसा कॉमर्स क्लासेस. We are there for more than 25 years, so we can share our experience with you. Please come and take advantage. Thank you. All the best.